गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लिटरेचर बुक क्लास 5 चैप्टर 15 द रिमार्केबल रॉकेट। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इट वॉज टाइम फॉर सेलिब्रेशन इन द किंगडम ऑफ सिल्वरलैंड। यह सिल्वरलैंड में उत्सव का समय था। प्रिंस सिल्वर बॉय वॉज मैरिंग द वेरी ब्यूटिफुल प्रिंसेस गोल्ड। प्रिंस सिल्वर बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी गोल्ड के साथ शादी करने वाले थे। किंग्स क्वींस एंड नोबल मैन फ्रॉम द किंग अराउंड द वर्ल्ड हैड गैदर्ड इन द सिल्वर लैंड टू अटेंड देयर ग्रैंड वेडिंग। और इस शादी में शिरकत देने के लिए दुनिया भर के राजा रानी सभी रईस इकट्ठा हुए थे। द किंग ऑर्डर्ड हिज कोर्टियर्स टू अरेंज फॉर अ स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स डिस्प्ले फॉर दिस स्पेशल ओकेजन। राजा ने अपने दरबारियों को शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन करने के लिए आदेश दिया। द प्रिपरेशन बिगिन इमिडिएटली एंड द बेस्ट क्रैकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वर कलेक्टेड। और तैयारियां शुरू हो गई। दुनिया के सबसे बेहतरीन पटाखों को इकट्ठा किया गया। बट देयर वॉज वन स्पेशल फायर क्रैकर, इट वॉज द रिमार्केबल रॉकेट। पर इन सब में सबसे बेहतरीन और मुख्य पटाखा था रिमार्केबल रॉकेट। द रिमार्केबल रॉकेट वॉज ऑलवेज सेव्ड फॉर द लास्ट, जिसे अंत में बचा कर रखा जाता था ताकि उसे अंत में फोड़ा जा सके। इट वॉज कवर्ड विद स्पार्कलिंग गोल्ड पेपर एंड वेन सेट ऑफ, और उसे एक चमकीले सुनहरी परत में लपेट कर रखा जाता था। इट ट्रैवल्ड हाई अप इनटू द स्काई एंड देन बर्स्ट इनटू अ मिलियन ड्रैजलिंग स्टार्स। और जब ये फोड़ा जाता था तो आसमानों पर लाखों चमकीले सितारों की तरह यह प्रतीत होता था। पीपल वॉच द रॉकेट इन वंडरमेंट, और लोग इसे आश्चर्यचकित होकर देखते थे। हाउएवर रिमार्केबल रॉकेट वॉज वेरी प्राउड, जिसके वजह से रिमार्केबल अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करता था। द डे बिफोर द डिस्प्ले ऑल द क्रैकर्स वर स्टॉक्ड इन द रॉयल गार्डन। एक दिन पहले सभी पटाखों को रॉयल गार्डन में रखा गया। ब्राइट कैंडल सेड, ओह आई एम सो एक्साइटेड, इमेजिन द किंग ऑफ सिल्वरलैंड ऑर्डरिंग अ स्पेशल फायर वर्क डिस्प्ले फॉर द वेडिंग। ब्राइट कैंडल ने कहा, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, कल्पना कीजिए सिल्वरलैंड के राजा ने अपने भव्य आतिशबाजी के लिए हमें चुना है। वी हैव टू परफॉर्म वेल, हमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। क्रैकर विल उत्तर देता है, ओ यस, वी मस्ट इमेजिन ऑल आईज विल बी ऑन अस, कल्पना करो सारी आंखें हम पर टिकी होंगी। ऑर्डर, इंटरप्टेड अ ग्रफ वॉइस, एक कर्कश आवाज में संबोधित करते हुए। ऑल द क्रैकर्स टर्न्ड एंड शो द रॉकेट, सभी पटाखों ने मुड़कर रॉकेट को देखा। व्हाट इज देयर टू बी सो एक्साइटेड, इतना उत्साहित होने वाली कौन सी बात है, सेड रिमार्केबल रॉकेट। माय फोर फादर्स हैव बीन पार्ट ऑफ दिस डिस्प्ले एंड नाउ इट्स माय टर्न, मेरे पूर्वज इस प्रदर्शन का हिस्सा रह चुके हैं और अब मेरी बारी है। इट्स अ रेयर ऑनर फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है, सेड फ्लैसी स्पिनर। इट इज़ नो ऑनर फॉर मी, ये हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है। द प्रिंस इज जस्ट फॉर्चुनेट टू बी गेटिंग मैरिड ऑन द वेरी डे दैट इज बींग लिट ऑफ द रॉकेट स्नैप्ड बैक। राजकुमार सिर्फ उससे उस पर्व के दिन शादी करने के लिए भाग्यशाली है जिसे छोड़ दिया गया है। द रॉकेट स्नैप्ड बैक,
रॉकेट ने वापस बोला, ओह डियर व्हाट अ पॉम्पस रॉकेट ही इज, ओ प्रिय मैं कैसा घूम घाम वाला रॉकेट हूँ, धूमधाम सॉरी धूमधाम वाला रॉकेट हूँ। थ्रू थॉट ब्राइट कैंडल ट्राइंग हार्ड टू चेक हिज लाफ्टर, ब्राइट कैंडल ने अपने हंसी को जांच करते हुए कहा, व्हाई आर यू लाफिंग डिमांडेड द रॉकेट। रॉकेट ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? ओह आई एम जस्ट वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बहुत ही खुश हूँ, रिप्लाइड ब्राइट कैंडल। ब्राइट कैंडल ने कहा, यू शुड बी हैप्पी बिकॉज यू हैव द रेयर अपॉर्चुनिटी टू बी विथ मी, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें मौका मिला है मेरे साथ काम करने का। सेड द रॉकेट विद हिज कॉनिकल हेड हेल्ड हाई, अपने शंक्वाकार सर के साथ उसने ये उत्तर दिया, ये कहा, सींग रिमार्केबल रॉकेट्स अनमैचेबल एरोगेंस, फ्लैशी स्पिनर ट्राई टू एक्सप्लेन। रिमार्केबल रॉकेट ने बहुत ही घमंड के साथ ये उत्तर दिया, फ्लैशी स्पिनर ट्राई टू एक्सप्लेन, यू सी कॉमन सेंस से दैट यू शुड बी हैप्पी फॉर अदर्स। कॉमन फ्लैशी स्पिनर ने समझाते हुए कहा कि तुम्हें खुश होना चाहिए दूसरों के लिए भी। कॉमन बट आई एम अनकॉमन, सामान्य मैं तो असामान्य हूँ, रिप्लाइड द रॉकेट। रॉकेट ने जवाब दिया, ओ ही कांट थिंक बियॉन्ड हिमसेल्फ, वह खुद के बारे में ऐसा सोचता है। विस्पर्ड क्रैकर विल टू द अदर्स, क्रैकर विल ने दूसरों से फुसफुसा कर कहा, इट्स नो यूज एक्सप्लेनिंग टू हिम, कोई ज़रूरत नहीं उसे एक्सप्लेन करने की, रीजन्ड फ्लैशी स्पिनर। फ्लैशी स्पिनर ने कारण देते हुए बताया, जस्ट देन दे हर्ड द किंग अनाउंसिंग द फाइनल फिनाले फॉर द इवनिंग, द ग्रैंड फायरवर्क डिस्प्ले। तब उन्होंने राजा को शाम के लिए समापन का घोषणा करते हुए सुना, भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाए। ऑल द फायर क्रैकर्स, फ्लैशी स्पिनर, क्रैकर व्हील, ब्राइट कैंडल एंड सेवरल अदर वर प्लेस्ड इन रो एंड देन सेट ऑफ। सभी पटाखे अपनी जगह पर स्थित हो गए। फ्लैशी स्पिनर शावर्ड अ गोल्डन रिंग। फ्लैशी सावर ने एक सुनहरा बौछार देते हुए अपना प्रदर्शन किया। क्रैकर व्हील बूम बूम करते हुए गोल गोल घूमते हुए उसने अपना प्रदर्शन किया। वाइल ब्राइट कैंडल जो थी वो धीरे धीरे चमकते हुए अपने रोशनी को बिखेर रही थी। फाइनली इट वॉज द टर्न ऑफ द रिमार्केबल रॉकेट, आखिरकार रिमार्केबल रॉकेट का बारी आई। आई एम द बेस्ट, उसने कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ। ही थॉट एज ही सॉ इननोमरेबल आइज वॉचिंग हिम, हालांकि असंख्य आँखों ने उसे देखा है। द किंग्स मैन सेट फायर टू हिज टेल, राजा के आदमी ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। व्हाइल एवरीबॉडी वेटिंग विद बेटेड ब्रीथ, सभी लोग अपने सांसों को रोक कर उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। बट लू रिमार्केबल रॉकेट डिड नॉट गो ऑफ, वो लुल हो गया, वो पूरी तरीके से जल भी नहीं सका, वो ऊपर जाकर अपना प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाया। ही वॉज डैम एंड कोल्ड, वह नम और ठंडा था। द किंग्स मैन ट्राइड वंस अगेन बट रिमार्केबल रॉकेट कुड नॉट बी लेट, राजा के आदमी ने दोबारा कोशिश किया लेकिन ये फिर से नहीं जल पाया। द स्टॉक्ड फायर क्रैकर्स गिगल्ड सीइंग द रॉकेट पुअर कंडीशन, बाकी जितने भी पटाखे थे सभी उसे देखकर उसकी इस हालत को देखकर खुश थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग्स मैन केम टू क्लियर द फील्ड, अगली सुबह जब राजा के आदमी फील्ड को साफ करने आए, ओह व्हाट अ बैड रॉकेट इट इज क्लेम्ड वन मैन, एक आदमी ने कहा कितना बुरा रॉकेट है।
Did I hear bad rocket? Thought the wind rocket. घमंडी रॉकेट ने सोचते हुए कहा, क्या मैंने बैड वर्ड सुना? नो इट मस्ट बी ग्रैंड रॉकेट, नहीं इसे तो ग्रैंड रॉकेट होना चाहिए. ही कंफर्म्ड हिमसेल्फ, वह खुद को तसल्ली देते हुए कहा. सडनली समवन पिक्ड इट अप, एक आदमी ने उसे उठा लिया, क्रस्ड इट एंड थ्रू इनटू अ डस्टबिन, और उसे मोड़ कर उसे मचोड़ कर एक डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया. ओह आउच दैट हर्ट्स, स्क्रिच्ड रिमार्केबल रॉकेट. रिमार्केबल रॉकेट ने कहा, दर्द होता है. दे आर कमिटिंग अ मिस्टेक बाय डिस्कार्डिंग मी, वे मेरा त्याग करके गलत कर रहे हैं. द अदर क्रैकर्स इन द डस्टबिन, बाकी क्रैकर्स जो ऑलरेडी डस्टबिन में थे, विच डिड नॉट सेट ऑफ दैट नाइट, वर क्राइंग, जो उस रात जल नहीं पाए थे, वे रो रहे थे. हाउ अनफॉर्चुनेट वी आर, हम लोग कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं. वी कुड नॉट शो आवर स्प्लेंडर टू द किंग, हम लोगों ने अपना भव्य प्रदर्शन नहीं दिखा सके, हम लोगों ने अपना भव्य प्रदर्शन नहीं दिखा पाया. बट आई एम स्टिल अलाइव, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ. एंड विल स्पार्कल फॉर द होल वर्ल्ड टू वॉच, और पूरी दुनिया को देखने को निखर उठूंगा, और पूरी दुनिया को देखने को निखर उठूंगा, सेड रिमार्केबल रॉकेट स्माइलिंग. रिमार्केबल रॉकेट ने मुस्कुराते हुए कहा. आफ्टर अ वाइल द डस्टबिन वॉज पिक्ड अप एंड थ्रोन इनटू द रिवर, आखिरकार अगले ही क्षण डस्टबिन को उठाकर नदी में फेंक दिया गया. रिमार्केबल रॉकेट वॉज नथिंग बट सॉगी कार्डबोर्ड नाउ, अब न रिमार्केबल रॉकेट कुछ भी नहीं था सिवाय एक बेकार कार्डबोर्ड के. एंड यू शुड हैव सीन हिज बेंट हेड, और तुम उसके मुड़े हुए सिर को देख सकते थे. एज ही ड्रॉन्ड, और वो डूब चुका था. सर्व हिम राइट फॉर बींग सो एरोगेंस, इतने अभिमानी और घमंडी के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है और सही हुआ. ये था कहानी का सार. It was the narration of this story. I hope you will like this story. Thank you.